प्रदेश में होने वाले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले पर वन विभाग के प्रमुख जयराज का कहना है कि काफी समय बाद फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन परीक्षा धांधली में अटक गई है। फिलहाल विभाग आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। तो छात्र परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इधर विभाग का ये कहना है कि लंबे अरसे बाद ये परीक्षा हुई है, फिलहाल उन्हें कोई निर्देश होगा उसके बाद ही। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए कि पूरा ये मामला क्या है, परीक्षा घोटाला हुआ है, जो छात्र है उनका तो ये भी आरोप है कि नकल माफिया यहाँ पर पूरी तरह से अपना डेरा जमाए हुए था। मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट गार्ड घोटाले मामले में अब क्या परीक्षा नए स्तर से होंगी, कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है? बिल्कुल कुलदीप, अगर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो 18 फरवरी को ये परीक्षा पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एक साथ कराई गई थी, दो पाली में कराई गई, और पहली पाली में जो परीक्षा हुई वो शांतिपूर्ण रही, किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं है। लेकिन दूसरी पाली में ये तमाम बातें सामने आई है कि ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराई जा रही थी, और जैसे OMR शीट और प्रश्न पत्र वायरल हुआ उसके बाद से ही जब पुलिस प्रशासन के मामले में पूरी बात आई तो तब से ही इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई थी। लगभग 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे और 1200 के करीब पदों को लेकर यह भर्ती परीक्षा थी जो 3 साल से लंबित थी, और अब जाकर यह परीक्षा कंडक्ट की गई। लेकिन OMR शीट और प्रश्न पत्र वायरल होने के साथ ही जब इस बात की जानकारी शासन प्रशासन को मिली कि भर्ती परीक्षा में घोटाला जैसी बात सामने आई है तो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सक्रिय हुई, और मुख्य आरोपी समेत करीब 3 से 4 लोगों को इसमें गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद साफ कर चुके हैं कि जांच जारी है और घोटाला जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बात करें या फिर जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए जो भी तमाम लोग हैं उनकी बात करें, वो सरकार से पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सचिवालय कूच किया, बाकायदा मुख्यमंत्री के OHD से उनकी वार्ता हुई है। उनकी सीधे तौर पर एक मांग है कि मुख्य आरोपी जरूर पकड़े गए हैं लेकिन बिना मिलीभगत के पूरी परीक्षा में भर्ती घोटाला जैसा काम नहीं किया जा सकता, ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज नहीं हो सकता, तो तमाम कई कारण गिनाते उन्होंने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अब देखना यही है कि मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है, तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद अब शासक क्या डिसीजन लेता है। बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।